चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 46 निकायों में आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 12 सितंबर को नामांकन का है आखिरी दिन, 15 सितंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन है, 27 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। कुल 18 जिलों में चुनाव होना है। तो राजधानी भोपाल से वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज जारी होंगी 46 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए नामांकन। तो वहीं अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ी हैं। अमृतांशी, 46 निकायों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे 46 नगरीय निकाय हैं जिनका कार्यकाल जो है वो सितंबर में खत्म हुआ है, और इसी को लेकर 46 नगरीय निकायों में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है इस पूरे महीने भर। आज मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है, और आज से ही नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 12 सितंबर तक नामांकन की ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, 15 सितंबर तक नाम वापसी का आखिरी दिन होगा, और इसी दिन जो है चुनाव चिन्हों का वितरण होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 27 सितंबर को जो है चुनावी प्रक्रिया होने जा रही है, चुनाव वोटिंग होगी, और 30 सितंबर को जो है इसकी मतगणना होने वाली है। देखिए, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है ये कुल 18 जिलों में 46 नगरीय निकाय निकायों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ था, और इसी को लेकर जो है नगरीय निकाय जो चुनाव है 46 नगरीय निकायों में ये आयोजित किए जा रहे हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इसकी पूरी तैयारी में अब जुट चुके हैं। यहाँ पर जो है लगातार प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जो प्रभारी है उनको जिम्मेदारी तो यहाँ पर सौंपी जा रही है। और जल्दी जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, नामांकन की प्रक्रिया में आज से तेजी शुरू हो जाएगी, कई लोग इसमें नामांकन करते हुए भी नजर आएंगे। और सबसे खास बात यही है कि जो कार्यकाल खत्म हुआ है, खरगोन में भी जो है वो चुनाव नहीं हो पाए थे किन्हीं कारणों के चलते, उस समय काफी ज्यादा जो है सांप्रदायिक माहौल वहां पर बिगड़ा हुआ था, तो खरगोन में भी इस बार चुनाव हो रहे हैं। साथ ही मंडला, बालाघाट, जो अनूपपुर की बात करें या सागर की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, यहाँ पर नगर परिषद और नगर पालिका की ये जो चुनाव है ये पूरी प्रक्रिया होने जा रही है। खास बात यह है कि फिलहाल दोनों ही पार्टियों के लिए अगर हम बात करें, ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरी की जो 46 नगरीय निकाय है यहाँ पर ही चुनाव होने वाले हैं। खासकर अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है नगरीय परिषद और नगरीय पालिकाओं में, जो निर्वाचन है वो भी पार्षदों के जरिए ही होगा, यानी कि सीधी प्रक्रिया रहेगी, पार्षद जीत कर आएंगे और उसके बाद वही जीते हुए पार्षद जो है जिस भी पार्टी से होंगे वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। तो पूरी सीधी प्रक्रिया है, लगातार जो है पूरे महीने पर चुनावी प्रक्रिया चलेगी, और 30 सितंबर को मतगणना होगी। और ये देखना होगा कि किसके खाते में इस बार ये जो 46 नगरीय निकाय चुनाव है इनकी सीटें आती है। हालांकि बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कम नहीं रही, लेकिन ये 46 नगरीय निकाय किसके लिए जो है वो फायदेमंद साबित होते हैं ये देखना काफी जरूरी होगा। लेकिन आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, पूरे महीने भर ये चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगी। जी बिल्कुल अमितांशी, तो मध्य प्रदेश के 347 नगरीय निकायों का चुनाव कराने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग शेष बची 46 नगरीय निकायों का नामांकन की प्रक्रिया जारी कर दी है, जिसको लेकर 12 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी जोशी हमें तमाम जानकारी देने।